हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। दोस्तों आज हमारे सामने डीटीसी का कुछ कर्मचारी आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। दोस्तों दिल्ली सरकार ने, मैं आपको बताऊं, जैसे कि दिल्ली सरकार से अभी आप देखेंगे ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं और तमाम जो कमर्शियल ड्राइवर हैं वो परेशान है। इसी प्रकार से हमारे जो डीटीसी के कर्मचारी हैं ये भी काफी परेशान है और अपनी समस्याओं को लेकर आज रोहित पांडे जी के पास आए। तो रोहित पांडे जी को आप जानते ही होंगे, अब तो मेरे ख्याल से सारे ड्राइवर पहचान चुके होंगे। रोहित पांडे जी एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं जो कि पूर्व में सचिव भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है सर? नाम ललित चौधरी है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी जो आप यहाँ पर वकील साहब के पास लेकर आए हैं? सर मैं पहले बता दूं, मैं डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते सभी कर्मचारियों की जो समस्याएं वो मेरी समस्याएं हैं और मैं चाहता हूँ उनका निदान जल्द से जल्द हो। लेकिन सरकारों के पास इतने बार ज्ञापन देने के बावजूद, अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज हमने वकील साहब के बारे में बहुत सुना था, वकील साहब से अपॉइंटमेंट ली और आज हम इनसे मिलने आए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट होने के नाते ही हमारी समस्याओं को समझेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। तो हम अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं। जब से हमारी जो डीटीसी बस है उसको प्राइवेट हाथों में दिया गया है, प्राइवेट बसों को डीटीसी की बताकर लगाया गया है, तो उसमें जो हमारे जो अधिकारी हैं अब तक वो डीटीसी के लिए काम करते थे, सरकार के लिए काम करते थे, सरकार से तनख्वाह लेते थे, परिवहन डीटीसी विभाग से तनख्वाह लेते थे, लेकिन आज वो तनख्वाह डीटीसी से ले रहे हैं, काम उन प्राइवेट लोगों के लिए कर रहे हैं और उनको ज्यादा काम देने के लिए, उनकी गाड़ी ज्यादा चलवाने के लिए, उनके किलोमीटर ज्यादा बनवाने के लिए तानाशाही हमारे कर्मचारियों पर हो रही है। हमारे कर्मचारी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ऐसी पीड़ा झेल रहा है कि बस उसका कोई निदान नहीं है। मतलब काफी सालों से आप इस चीज से परेशान है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है। मतलब आप हर जगह जाके इनकी कंप्लेंट और शिकायत कर चुके हैं लेकिन आज तक आपकी जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो परेशानी है, किसी ने समझी नहीं है और ना ही कोई एक्शन लिया है जिससे कि आपको कुछ राहत मिले। तो हमारे साथ में पांडे जी मौजूद है। पांडे जी, आपने इनकी समस्याएं देखी, सारा ये आपने पढ़ा, तो क्या लगा आपको, क्या इनकी जो समस्याएं हैं वो जायज हैं, क्या इनके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा बताएं। देखिए, मैं अभी बड़ा दुखी मन से अभी मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी ललित जी ने बात रखी और एक डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन की बिहाफ पे जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वाकई में ये छोटी लड़ाई नहीं है और ये कुछ ही दिनों की लड़ाई नहीं है, सालों की लड़ाई है। और ये जो इनका दर्द है, ये इस तरीके से ये बयां कर रहे हैं कि वो उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जिनको परमानेंट नहीं किया गया। तमाम ऐसी बातें अभी भी मैंने देख रहा था कि कितने इनके पॉइंट्स हैं, कितने इनकी मांगे हैं, जो मांगे वो आज से नहीं, वो हर दिन वो दर दर भटक रहे हैं, डिपार्टमेंट में जा करके, सरकार के पास जा करके ये बात कह रहे हैं कि हमारी मांगे जायज हैं, उन मांगों को पूरी की जाए। अब मुझे लगता है कि अब समय आने वाला है कि अगर जब सरकार, जो जिन सरकार को हम चुन के लाते हैं, वो सरकार अगर हमारे लिए काम नहीं करती है, हमारे जायज काम को लेकर नहीं करती है, हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, संविधान में दिया है, उसको लेकर के अगर नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कहाँ जाएगा। 10-15 सालों से लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 15-20 सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, वही पैसा, वही सैलरी, चीजें नहीं बढ़ रही हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, उनका परिवार बढ़ गया, सब कुछ हो रहा है, महंगाई बढ़ गई, लेकिन वो जस के तस से वहीं रह गए हैं। तो अभी एक बहुत बड़ी चीज है ये, देखिए तो लड़ाई है और अब लड़ाई है तो अब तो धीरे धीरे सड़कों पे भी आने लगी है, अब लड़ाई है तो अब सरकार से हम लड़ ही रहे हैं, तो अब ये मांगे कब पूरी होंगी, कौन करेगा, कौन सी सरकार आएगी, कौन सा कौन मसीहा बन के आएगा, ये देखना होगा आगे आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली अगर देखा जाए, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हमारे लिए बेहतर होगा। मैं इन पॉइंट्स को देखा, हमने समझा भी, और जो भी बेस्ट होगा, जो भी मुझे लगेगा कि एक कानूनी लड़ाई लड़ के आगे कहाँ पे कैसे न्याय दिलाना है, ये मेरा काम होगा। एक मैं नागरिक के तौर पर कह सकता हूँ, एक मैं क्योंकि इनका भरोसा है मेरे पे, तो मैं चाहूंगा कि ये किसी तरीके से, वो चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, जो भी माध्यम हो, सरकार को भी हम ये बात कहेंगे, उनको चेताएंगे भी, कहेंगे भी कि इनकी मांगे पूरी की जाए। धन्यवाद रोहित पांडे जी। तो हमारे साथ में आप हैं, पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए, जैसे कि आपने यहाँ पे रोहित पांडे जी को सारी समस्याएं बताई हैं, आपको कितनी उम्मीद है और कितना विश्वास है पांडे जी के ऊपर कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर रोहित पांडे जी आगे जो कदम उठाएंगे वो आपके लिए काफी बेहद अच्छे साबित होंगे?
जी सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं इस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूं। और आज हम रोहित पांडे जी के पास आए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये हनी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, हमें इन पे पूरा विश्वास है कि अगर इनके माध्यम से, इनकी फेस वैल्यू के माध्यम से अगर हमारी कोई भी मांग अगर कोर्ट में लगाई जाती है, पिटीशन लगाई जाती है या PIL लगाई जाती है, तो मुझे लगता है 100% 100% दावे के साथ वो PIL बिल्कुल पास होकर ही आएगी और हजारों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही हम कुछ ऑटो रिलेटेड इशूज थे, जैसे काली पीली टैक्सी के भी कुछ इशूज थे, उनको लेकर भी हम पांडे जी से मिले थे। और मैं आपको खुल के यहाँ पे बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर जो अवैध तरीके से जो ई रिक्शा चल रहे थे इनके खिलाफ, और जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियां चल रही थी जो पैसेंजर को उठाने का काम कर रही थी, उनके खिलाफ हम आए थे वकील साहब से मिलने और उनकी कंप्लेंट हमने यहाँ पे करी थी और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हमने वकील साहब से की थी। और वकील साहब ने उस पर कार्यवाही करते हुए लेटर वगैरह भेज के, आज आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर जो अवैध रिक्शे चल रहे थे, प्राइवेट नंबर की गाड़ियां जो कमर्शियल यूज हो रही थी, उनका लगभग सफाया होना शुरू हो चुका है। और LG साहब को भी बहुत धन्यवाद दे देता हूँ। और मैं सबसे बड़ा तो धन्यवाद मैं पांडे जी को देना चाहता हूँ कि आपके एक लेटर लिखने से ही इतनी बड़ी कार्यवाही शुरू हुई। तो मुझे विश्वास है कि जो DTC के जो यहाँ पे आए हैं कर्मचारी आए हैं या फिर यूनियन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी आए हैं, इनकी भी समस्या जरूर हल होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपनी अपनी समस्या बताई। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे करूंगा समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।